बटर गार्लिक प्रॉन्स बनते हुए आपने देख लिया है, अब हम पॉज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईट विद अजिंक्य। आज हम लोग आ गए मुलुंड में सदगुरु चाइनीज एंड स्नैक्स कॉर्नर पे। मैं खड़ा हूँ चाइनीज कॉर्नर पे क्योंकि लंच टाइम हो चुका है। स्नैक्स का भी बहुत ऑप्शन है यहाँ पे, फिलहाल चाइनीज चालू है, स्नैक्स भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। सब कुछ मिलेगा, वड़ा पाव, समोसा पाव, वो सब, फिर डोसा का वैरायटी, पाव भाजी, वो सब, और क्या रह गया, चाट, चाट भी मिलने वाला है। फिलहाल चाइनीज चालू है तो हम चाइनीज ट्राई करने वाले हैं और मैं मेनू डिसाइड करता हूँ और आपको खाने के साथ मिलता हूँ। कंग पाव चिकन और बटर गार्लिक प्रॉन्स रेडी है। कंग पाव चिकन नाम कुछ अलग लगा तो सोचा ट्राई करके देखते हैं। मैं खा के बताता हूँ कैसा है, पर उसके पहले आप देख लो ये बना कैसे। बनते हुए देख लिया आपने कंग पाव चिकन, अब मैं ट्राई करके बता दूँ कैसा लगता है। इसमें काजू है, काजू, कैप्सिकम, बेल पेपर, मतलब रेड वाला, और ऑनियन, और ये जो चिकन है ये ऑलरेडी फ्राइड था कुछ कोटिंग लगा के, शायद कॉर्नफ्लोर रहेगा। तो हम ट्राई करके देखते हैं। कंग पाव चिकन अगर चाइनीज में कुछ तीखा नहीं चाहिए आपको तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगा, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। अभी ये जो ये मैं खा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट आइटम है हमारा बटर गार्लिक प्रॉन्स। बटर गार्लिक प्रॉन्स कैसे बनता है ये देख लीजिए आप और फिर वापस आइए। अब ट्राई करके देखेंगे बटर गार्लिक प्रॉन्स, ये मेरे को बहुत पसंद है, एक प्रॉपर प्रॉन्स का पीस, प्रॉन का पीस, थोड़ा बेल पेपर, ये थोड़ा मसाला। गार्लिक का फ्लेवर और लास्ट में ऊपर से थोड़ा सा बर्न गार्लिक डाला था। प्रॉन्स भी फ्रेश है। मैं क्या करता हूँ, ये सब ख़त्म करता हूँ, तब तक आप जाके देखो हमारा थाई राइस, रेड करी, ग्रीन करी दोनों बनते हुए, फिर आपको वो टेस्ट करके बताऊँगा कि वो कैसा लगता है।
थाई करी रेड और ग्रीन दोनों भी रेडी है, राइस रेडी है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा ये कैसा है। और एक बात, यहाँ पे आप अपना कार पार्क करके भी आराम से कार में भी मंगा सकते हैं, या फिर आप कहीं से यहाँ से पास हो रहे हैं आपको चाहिए टेक अवे, पहले ही आप थोड़ी देर पहले फ़ोन करके भी बोल सकते हैं और ऑर्डर रेडी रहेगा आपका। आप जाते जाते यहीं पर हाईवे बाजू में ही है, मैं एड्रेस के साथ पूरा सब दे दूँगा, वहाँ से आप टेक अवे उठा सकते हैं। सबसे पहले ट्राई करके देखेंगे रेड कर, थाई करी राइस रेड करी। स्पाइसी नहीं है, रेड दिख रहा होगा बट स्पाइसी नहीं है, थोड़ा सा स्वीट साइड टेस्ट है बट राइस के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें बेसिकली कोकोनट यूज़ होता है तो उसके वजह से थोड़ा स्वीटनेस है पर मज़ा आ रहा है। रेड टाइगर तो मुझे पसंद आया, अब टाइगर के देखते हैं ग्रीन टाइगर। ये भी अच्छा है, स्पाइसी नहीं है, थोड़ा सा स्वीटिश रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, पर दोनों का टेस्ट अलग है और दोनों भी अच्छे लग रहे हैं। चिकन भी एकदम सॉफ्ट है, मस्त पका है। रेगुलर चाइनीज़ खाने से बेटर मैं एनी टाइम रिकमेंड करूँगा ये ट्राई करके देखना। तो मैं कंफ्यूज हूँ, रेड ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ग्रीन? रेड, मेरे हिसाब से रेड मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, आप खा के बताना आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब ख़त्म करता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। खा के हो चुका है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली थाई करी रेड और ग्रीन दोनों भी मैं रिकमेंड करूँगा, और भी बहुत आइटम है ज़रूर ट्राई करके देखना। ये है यहाँ के ओनर और ये है वो दोनों जिनके हाथों में जादू था, ये है शेफ़ और ये उनके हेल्पर, तो इन्होंने हमें बना के खिलाया, मुझे बहुत पसंद आया, मैं तो बार बार आते रहूँगा, आप भी आना ज़रूर ट्राई करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना अगर आए हो तो, नहीं आया तो पहले आओ खाओ फिर कमेंट करके बताओ। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो मुलुंड या आसपास रहते हैं या कहीं और भी रहते होगे तो वहाँ से आओ। और मैं मिलता हूँ आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाओ खाते रहो खिलाते रहो।